सफलता देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6, 5 और सपोज कि यहाँ पे 6 16 है, तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो ये जबरदस्त सफलता देने का क्षमता रखता है, क्योंकि ये लग्जरी प्लस जो है ये पावर का नंबर। अब 5 नंबर हम क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या ये पावर देता है, अच्छा देता है, ग्लैमरस के साथ देता है पावर बुध, क्योंकि ये दिमाग को ही इतना तेज कर देगा कि आप इसे सोच भी नहीं सकते हैं, और साथ साथ में जो 5 है वो बैलेंस भी लेकर देता है। तो हम यहाँ पे जो हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 5 की, कंडक्टर नंबर 5 की ये सफलता बेशुमार देगा आपको लेकर, ये 100%। लेकिन थोड़ी सी जो है कुछ चार्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें नहीं देगा, उसका कारण क्या है, और अभी तक नहीं दिया है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 है तो इसका कारण क्या है, ये चीज भी हम समझेंगे, उसका उपाय कैसे करना है ये चीज भी हम समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, वीडियो देखने का कोशिश कीजिए, इसको समझिए, क्योंकि ये एक नॉमोलॉजी का सीरियल वाइज जो है हम आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये अगर आप सीख लिए तो ये अपने आप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रूम रेमेडी की बात कर रहे हैं, रेमेडी इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, रेमेडी देख लीजिए और आप उसका उपाय कर लीजिए, 100% काम करेगा। अगर किसी भी आदमी का ड्राइवर नंबर 6 और 5 5 नंबर है, तो बिजनेस की जहां तक हम बात करेंगे तो ये दोनों आदमी अगर बिजनेस करता है, एक ही आदमी का, जैसे कि हम बात करते हैं तो कंडक्टर नंबर होना चाहिए, एक आदमी का कंडक्टर नंबर 6 और दूसरे आदमी का कंडक्टर नंबर अगर 5 नंबर है, और दूसरे दोनों को अगर हम बिजनेस के लिए अगर हाँ बोलते हैं 100% सफल होगा। शादी के लिए बोलते हैं 100% सफल होगा। लग्जरी ये देगा, एक ही आदमी का अगर 6 और 4 है तो ये लग्जरी लाइफ लेकर देगा, इसको अगर ये बिजनेस में हाथ डालते हैं ये बिजनेस में सफल होगा, अगर ये स्टॉक मार्केट में हाथ डालते हैं तो स्टॉक मार्केट में सफल होगा, अगर ये शेयर मार्केट में हाथ डालता है तो शेयर मार्केट में सफल होगा। लेकिन ये कब सफल होगा, यहाँ पे ये 4 पे डिपेंड करता है, 4 और ये 6 पर। डेट ऑफ बर्थ में तो 6 दिया है, यहाँ पे ड्राइवर नंबर 6 दिया है, लेकिन सपोज कीजिए कि यही 6 नंबर अगर रिपीटेशन लेकर आ गया तो ये चार्ट को डैमेज कर देता है, यही 4 नंबर अगर रिपीटेशन लेके आ गया तो यही जो है इस चार्ट को डैमेज करके लेकर देगा। अब अगर आप सीखे हैं, अगर कोई पूछता है कि क्या इस आदमी के पास में प्रॉपर्टी है, अगर 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर ज्यादा वाला है, जितना वाला आदमी बोलेगा कि जितना 8 है, आप जितने भी अभी सीखे होंगे, जिनको जो बेसिक कोर्स किए होंगे या जो अभी सीख रहे होंगे इसी चैनल के माध्यम से, तो 8 नंबर जितना ज्यादा है वो खराब होता है। मैं अभी तुरंत बोला कि 6 और 4 ज्यादा है तो वो खराब ही करेगा, लेकिन इस चार्ट में ड्राइवर नंबर 6 और 5 में 8 नंबर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा उसको प्रॉपर्टी होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये 7 और 7 पे भी डिपेंड कर, ये 7 और 7 ड्राइवर नंबर अगर 7 है और कंडक्टर नंबर 7 है तो वहां भी ये चीज अप्लाई होता है। जितना नंबर आपका ड्राइवर नंबर 4 है और कंडक्टर नंबर 4 है, ये 7 नंबर जितना बार उसको उसके चार्ट में होगा वो उतना बार वो अच्छा करेगा उसके लिए, वो कभी भी वो निगेटिव नहीं करके लेकर देगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम शादी की बात करते हैं तो शादी में हाँ बोल देंगे, बिजनेस में बोल देंगे, ऐसे आदमी को थोड़ा फादर से लेकर रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉपर्टी, अब देखेंगे कि प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम 100% प्रॉब्लम होगा इसका, तो होगा तो उसमें अब उपाय की बात करते हैं। अगर तो देखिए डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले यहाँ पे 5 तो इसकी चार्ट में होगा, अगर 5 की रिपीटेशन ज्यादा हो, अगर होगा किसी का, तो हम 5 पे पहले नेम ले आएंगे। इसको 3 नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, एक्सप्रेशन नंबर और पर्सनैलिटी नंबर की बात करते हैं, तो 3 नंबर की जरूरत पड़ेगा, 5 1 और 3, अगर ये तीनों है बैलेंस में है तो 100% सफलता मिलेगा, अगर बैलेंस में नहीं है तो इसको बैलेंस बनाने का कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ ऐसे चार्ट हमने देखा है नोमोलॉजी में, जिसमें कि एक चार्ट हमारे पास में आया था, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं है, जिसमें कि यही था सब कुछ सिचुएशन जो हम बता रहे हैं, 5 1 3 था, लेकिन उसका जो लग्नेश था वो अस्त था या नीच का था, सूर्य के साथ में था या नीच का था, तुला लग्न की कुंडली या वृषभ लग्न की कुंडली था, ऐसे था, सूर्य और शुक्र का जो था दोनों का कॉम्बिनेशन था, और अस्त था या नीच का था ये चीज हमको अभी इतना कंफर्म नहीं है। इसके कारण इसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ होने के बावजूद भी, तो वहां पे जो आप ऐसी सिचुएशंस अगर आपके चाप में होता है तो वहां पे हर वक्त जो है आप ध्यान दीजिए कि जो अस्त है उसका उपाय करवाइए। यहाँ पे अगर शुक्र नंबर अगर अस्त है, सपोज कीजिए शुक्र का नंबर 6 नंबर हुआ, जो है अस्त होगा, देखिए
अगर हम नोमोलॉजिस्ट हैं, अगर हम किसी का चार्ट देखते हैं तो हम भी उतना ही बताएंगे जितना आप एस्ट्रोलॉजी हैं और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताते हैं। तो 6 नंबर ज़्यादा अगर हुआ ना तो उसका शुक्र कहीं ना कहीं डैमेज होगा, चाहे वो डिग्री वाइज हो या जो भी हो। तो उस स्थिति में आपको उसको बता देना है कि भाई साहब शुक्र का सबसे पहले उपाय करो। नोमोलॉजी में सबसे पहले अगर सन अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसका पहले उपाय करो, तभी वो काम करता है, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। नोमोलॉजी को हम गहन अध्ययन की तरह से हम आपको सिखाने का कोशिश करते हैं ताकि इसे अच्छे तरह से आप सीखिए, इसको सीख कर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसके उपाय पर ध्यान दीजिए ताकि इसे अच्छे तरह से आप अपने लाइफ को ग्रो करने में काम कर सकें। हम मिलते हैं आपको एक नए सीरीज के साथ में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप नोमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।